कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी, मन में बसे हनुमान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर इस वीडियो में हम श्री हनुमान चालीसा के 21 दिन के संकल्प और उससे जुड़े नियमों के बारे में जानेंगे। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, प्रसिद्ध सालासर हनुमान मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों, पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत ही महत्व है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती है। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा होती है। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा था कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ का 21 दिन का संकल्प कैसे लें? श्री हनुमान चालीसा के संकल्प के दिन हमें क्या करना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को जानेंगे। सबसे पहले मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, फिर नहा धोकर अपने नित्य क्रम से निपटने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं और एक जल से भरा पात्र, फूल व चावल भी लें। ध्यान रखें कि घर के मंदिर में साफ सफाई होनी जरूरी है। प्रभु की मूर्ति या फोटो लें, उन्हें सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करें। अगर घर में श्री हनुमान जी की मूर्ति या फोटो ना हो तो मानसिक पूजा करें। फिर धूप दीप करके सर्वप्रथम आप गणेश जी की आराधना करें, फिर प्रभु श्री राम का स्मरण करें। आप चाहे तो राम नाम की धुन कर सकते हैं और फिर दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर श्री हनुमान जी के ध्यान मंत्र का जप करें, जो कि है अतुलित बल धानम हैम शेलाभ देहम दनुजवम कृषाणम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि ओम हनुमते नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए चावल और फूल श्री हनुमान जी को अर्पित कर दें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल पात्र से जल, फूल व चावल लें और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करके मन में संकल्प करें। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस बार, तिथि, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें। अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। उदाहरण के तौर पर जैसे आप 1/6/2021 को श्री हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो इस प्रकार संकल्प लें। मैं यानी अपना स्वयं का नाम बोलें। विक्रम संवत 2078 को ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को घनिष्ठ नक्षत्र में भारत देश के राजस्थान राज्य के जयपुर में अपने स्वयं के घर यानी जहां आप पूजन कर रहे हो उस स्थान का नाम लें। मैं इस मनोकामना से अपनी मनोकामना बोले श्री हनुमान जी का पूजन कर रहा हूं और हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूं। संकल्प करते समय प्रभु के सामने आपको तय करना होता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का संकल्प के दौरान पाठ करेंगे, यानी आप 7, 11, 21, 51, 101, 108 आदि के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं और हर रोज 21 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके, भोग लगाकर, आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आप प्रभु की आरती उतार कर उन्हें प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। प्रसाद में आप हनुमान जी का सबसे प्रिय गुड़ चना, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, चूरमे के लड्डू और थाल आदि का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी नियमों को मानने वाले देवता हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा में नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आइए जानते हैं क्या है नियम। संकल्प या व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहें, मन में शुद्ध विचार लाएं, कोई पाप ना करें, घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें, बिना नहाए या लघु शंका जाने के बाद पूजा ना करें। अगर घर में किसी भी तरह का सूतक हो तो संकल्प ना लें। सूतक जैसे घर में किसी का देहांत हो गया हो या घर में किसी संतान का पैदा होना। महिला भक्त मासिक धर्म के दौरान संकल्प ना ले या संकल्प के पाठ ना करें। अगर आपके संकल्प के दौरान सूतक या मासिक धर्म की समस्या आ जाए तो सूतक और मासिक धर्म समाप्त होने के बाद आप अपना संकल्प जारी कर सकते हैं। भगवान को लहसुन प्याज से बनी चीजों का भोग ना लगाएं। ज्यादा से ज्यादा प्रभु का स्मरण करें। मंगलवार या शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करें। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे श्री हनुमान चालीसा का 21 दिन का संकल्प लिया जाता है और क्या है संकल्प के नियम। दिल से पाठ करिएगा, प्रभु आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, प्रसिद्ध गिरजाबंद हनुमान मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया, उनमें से तीन लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है प्रगति मिश्रा, अमर कुमार और शानू शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे बजरंग बली से जुड़ी आज की ये वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।